आसला भारतर प्रथम हाइड्रोजन कार संसद जाए केन्द्रमंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करिले सवारी एहापरे कार को नहीं मत रखिंट केन्द्रमंत्री से कहते यह हूँ भारतर भविष्य टोयोटा मिराई भारत में निजर अभियान आरंभ कर कार धूआ बदल में पा छाड़ी एडवांस फ्यूल सेल लग एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिश्रण में प्रस्तुत करद्वारा परिवेश प्रदूषण हो न थाए प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा और इसलिए हाइड्रोजन के तीन प्रकार हैं। एक पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा ₹1 पर किलोमीटर है, इसका ज्यादा से ₹1.5 से ₹2 आएगा। तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरमेंट से दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। मिराई ये नाम है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशन आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इम्पोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और फ्यूल के बारे में मैंने अर्बन मिनिस्टर पुरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका जो गंदा पानी है वो साफ करके रूफटॉप सोलर और विंड लगाकर उसी पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें। और दूसरी ओर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेटल, ग्लास और प्लास्टिक बाहर करके फिर उससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी उससे मिथेन निकलता है बायोडाइजेस्टर में, उससे भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और किसानों को भी बायोमास से होगा। तो हमारे देश का किसान अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उससे हमारी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी। हम फ्यूल को इम्पोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला और ऑयल यूज होता है वहाँ सब जगह पर अब एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तय होगा और यही हमारा भविष्य होगा।